सिंध जे मशहूरु शख़्सियत जदीद सिंधी कहाणीअ में अहम मक़ाम रखंदड़ शहीद नसीम खल जी 43 वर्सीअ जी तक़रीब सचल ऑडिटोरियम खैरपुर में शहीद नसीम खल यादगार कमेटी ऐं सकाफ़त सियाहत नवादराज खातो सिंध जे गॾियल सहकार सां वॾे शान सां मल्हाई वई। प्रोग्राम जे आगाज़ में नसीम 23 किताबनि जे मोहरत कई वई। वर्सीअ जी तक़रीब में अयाज़ गुल, अदल सूमरो, क़ुर्बान मंगी, MP नईम अहमद खल, DIG हैदराबाद शर्जील खल, SSP खैरपुर मलक इक़बाल रफ़र, DC खैरपुर राजा तारिक चांडियो, इब्राहिम खल, सिंधी लैंग्वेज हैदराबाद जे चेयरमैन मोहम्मद अली मांझी समेत सिंधी अदब ऐं शायरीअ सां लाॻापियल माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। अॼु 43 वर्सी आहे असांजो त वॾो भाउ हो ऐं पीउ बि हुयो। हिन जे करे छाकाणि त असांजे घर जो वॾो हो ऐं हिन पंहिंजे नंढी उमिरि में, हुन जी उमिरि जॾहिं शहीद थियो 39 साल हुई, असांजो हेड ऑफ फैमिली हो ऐं हिन सिंधी कहाणीअ में पाण खे मंझरायो ऐं उहो ठेठ सिंधी ऐं ख़ालिस सिंधी जेके उन जा मुहावरा ऐं अॼु बि उन जा जेका कतब आंदा वञनि था ऐं हिन नंढी उमिरि में तमामु घणी जाखोड़ कई, ख़ासि तौर करे उन जूं कहाणियूं असांजे अने जेके बि आहिनि उहे तक़रीबन पहराड़ी ऐं शहर ते मुश्तमिल आहिनि ऐं हुन सभई जेके असांजे ख़ासि तौर करे असांजे सिंध वासियुनि में जेके मसाला थियनि था या थींदा हुआ या थींदा अचनि था उन्हनि खे बिल्कुलु वाक़ो कयो। ख़ासि तौर करे इन्हनि जी कहाणियुनि में तव्हां जॾहिं पढ़ंदो त तव्हांखे उन मां को न को सबक मिलंदो आहे ऐं कहाणी हमेशह जेका आहे उहा हिन घणी भाङे जेके हिन सचियूं कहाणियूं तख़लीक़ कयूं ऐं उन में असांजो चोटीहो दर हुजे, छाकाणि चोटीहो दर बि जेका आहे पटनी सूबेदारनि जे हद जे यानी जेका तकरार रहियो त बि उहा हीअ हद हुनजी न आहे, उहो हद हर को यानी पंहिंजी तस्लीम न पियो करे, छाकाणि त जेको आहे लावारस लाश हुयो, वारसनि वारो हुजे हा त हर सूबेदार उहा तस्लीम करे हा। इहो अॼु बि जेको आहे सो उहा कहाणी जेका ॾिठो वञे त अख़बार भरियूं पियूं आहिनि। असांजो हसन दर्स भलोड़ शाइर हो हैदराबाद जो, उहो बि वीचारे जो एक्सीडेंट थियो हैदराबाद में, ईअं सम्झो त असांजो उहो बि नियाणो हुयो, अदी महता महबूब जो नियाणो त असांजो नियाणो, उन जे करे जेका वीचारो एक्सीडेंट थियो, तड़पंदो रहियो, पर उन जे जेका आहे हद जे तकरार सां सूबेदार जेके चवनि पिया की हुन हद में हुन हद में आख़िर उहो वीचारो शहीद थी वियो ऐं शहादत खां पोइ उन खणी अस्पताल दाख़िल कयो वियो। इहे सिलसिला इहे अञा बि हलनि था ऐं उन खां पोइ वरी उनजी काफ़र कहाणी उहा बि हिकिड़ी जेका लाज़वाल कहाणी जंहिंमें हिकिड़ो असांजे उर्दू जो भलोड़ यानी जेका शाइर या नस जेको आहे कहाणी कहाणी नवीस अहमद नदीम कासमी काफ़र कहाणीअ ते इहो तबसरो कयो त काश इहे कहाणी मां तख़लीक़ करता। उहो हक़ीक़त इहा आहे त हुन नंढी उमिरि में पाण मंझरायो। हाणे ॾिसो ॻाल्हि हिकिड़ी आहे त इमाम जो लक़ब हुन खे कहाणी ते ॾिनो वियो त कहाणीअ जो इमाम ऐं किन दोस्तनि चयो त जेका सो कहाणीअ खे जॾहिं अदा शहीद थियो त उनजे ॼण कहाणीअ खे गोली लॻी वई। त इहे तबसरा ज़ाहिर आहे उन जा जेके अदीब शाइर ऐं मुफ़किर उहे जेका सो यानी उहो उन कंदा आया आहिनि ऐं हक़ीक़त इहा आहे त ज़ाहिर आहे असांजे लाइ त असांजो वॾो हो फ़र्दु वॾो फ़र्दु हो घर जो, पर हिकिड़ी शइ आहे त हुन सिंधी कहाणियुनि में उन सां गॾु वरी उन ते आख़िरी अयामनि में उन जेका खैरपुर रियासत ऐं ख़ासि तौर करे असांजा वाली जेके हिन मीर साहिबान उन्हनि जो ते जेका मीर साहिबनि जो मज़हब मीर साहिबनि जी रवादारी ऐं उन जे रियासत खैरपुर ते यानी लिखे पियो। सो मुंहिंजी इहा ई आहे त असांजा नौजवान इहे अदीब आहिनि ऐं शाइर आहिनि, अलाह कंदो इनशाला ताला पंहिंजे लाइ सिंध जे लाइ हिकिड़ो यानी लिखी करे सिंध जे मसलनि ते लिखंदा ऐं उन्हनि खे जेको आहे अलाह जी महिरबानी सां घणा ई असांजा शाइर वेठा आहिनि हिते ॿाहिरि बि वेठा आहिनि या जेका हिन प्रोग्राम में शरीक आहिनि सभिनी जी महिरबानी। इहे असांजा वॾड़ा आहिनि, उन्हनि खे जेका अदब असां अदीब था चऊं, असीं बि बेअदब न आहियूं पर अदीब जेके आहिनि उहे उन्हनि जो जेको आहे रुतबो तमामु आला आहे। तक़रीब में शिरकत कंदड़नि चयो त कहाणीअ जे मैदान में नसीम खल जे अलॻि ई सुञाणप आहे।
नसीम खल सिंधी अदब में एक वड़ो नालो आए। नसीम खल बुनियादी तौर ते वो कहानीकार है जो 43 साल का पो भी याद रखे पे वे उन कहानियों तमाम लाजवाल हैं। जिंदगी में उन्हें घट 29 कहानी लिखी पर उ सब लाजवाब कहानियन जैसे बहराड़ी से लिखी तो उ लाजवाब हुई जैसे शहर की जिंदगी से लिखी तो उ शानदार हुई। उनकी अल्लाह पाक दात दी हुई कहानी लिखने की यह दात किन किन मानों के मिलंदी है। उन कहानियों से तो तफसीली मां न तो गाल सका पर उन सब कहानियों जी से सिंधी समाज जो आईनादार हैं जो चोटी दर ऐसो काफर ऐसो ये सब इन दौर के बकाती कन अड़न मानों के जो याद किया वे इं सुी गाल है तो जी अस नए नस्ल खबर पवे तो अड़ा मानू भी हुआ जिन सिंध लाइ लिखो सिंधी मानों के मसल लिखो सही उनके यो अर्ज कस तो मेहरबानी कर यो अदब पढ़न जो अज का 50 साल अग लिखो वो तो उनमें दिसंद तो खुद मुतालो जो है सो मानू में एक सो जज्बो तो पैदा करे तजुर्बो तो पैदा करे लिखण जो कहानी लिखण लाइ शेर लिखण लाइ जर तुम शेख याज के पढ़ो कहानी में तुम रबानी के पढ़ो गुलाम रबानी के जमाल बड़े के नसीम खल के रशीद भट्टी के तो खबर पवी तो कहानी है कहानी में लिखण खे। नसीम खल के नस्बत से प्रोग्राम थन था उ घे वक्त का इतना रहा है पेरों दफो को को तो नसीम के याद किया वो है सालन का यो सिलसिलो हलंदड़ है पर गुजर 3 सालन का असांजे दोस्त इब्राहिम खल शहीद नसीम खल यादगार कमेटी पारा जेका हिन दफ़े सकावत खाते जे सहकार से थी रही है उनमें वो प्रोग्राम रिथियो है उनसां गड उन्हनि कहानी कॉन्फ्रेंस के भी शामिल कयो आहे। ही टियों प्रोग्राम आहे ब प्रोग्राम त फिज़िकली थिया आहिनि ऐं गुज़िरियल साल जेको आहे कोरोना जे करे इहो प्रोग्राम ऑनलाइन थियो हुयो जंहिंमें भी दोस्तन नसीम खल जे बारे में ॻाल्हियूं कयूं हुयूं कहाणियूं पेश कयूं हुयूं त हीअ हिकिड़ी सुठी रिवायत आहे। नसीम खल जूं तक़रीबन सभई कहाणियूं अहिड़ियूं आहिनि जिन खे यादि करे सघिजे थो जिन खे साराए सघिजे थो पर कुझु कहाणियूं हुन जूं तमामु शानदार आहिनि जीअं काफ़र कहाणी आहे या चोटियों दर कहाणी आहे इहे अहिड़ियूं कहाणियूं आहिनि जिन जो हवालो वरी वरी सिंधी अदब में उन्हनि जो हवालो ईंदो रहे थो। ऐं इहे कहाणियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके जेकॾहिं तर्जुमो थी करे ॿियनि ॿोलियुनि में ॿाहिरि वेंदियूं त उहे सिंधीअ जूं अहम कहाणियूं साबित थी। हा नसीम खल हिकिड़ो मुनफ़रद कहाणीकार हो अज़ीम कहाणीकार हो ऐं यकीन हू जंहिं नमूने सां हुननि जो तख़लीकी जो पस मंज़र आहे उन ते जेकॾहिं ॾिसिबो त हू पंहिंजे दौर जे हम असर कहाणियुनि खां बि मुतासिर हो पर ॿाहिरियूं जेके फ्रांस मां यूरोप मां ॿियनि क़िस्मनि मशहूरु कहाणीकार हुया ओ हेनरी मोपसा ॿिया वॾा कहाणीकार उन्हनि खां मुतासिर हो पर हुन पंहिंजे रंग सां पंहिंजे स्टाइल सां कहाणियूं लिखियूं ऐं उहे शाहकार कहाणियूं लिखजनि थियूं पियूं। ख़ासतौर ते काफ़र आहे चोटियूं दर आहे मुसावात आहे मुजावर ॿियूं कई नलाव खणी सघजनि था पिया हवाले तौरु हिकिड़े वॾे कहाणीकार जे लाइ मां सम्झां थो त हीअ हिकिड़ी इहे हवाला ई काफ़ी आहिनि। हिते इहे कहाणियूं जेके हीअ सुठी हिकिड़ी रिवायत पई आहे त जेके 2000 खां मतिलबु हीअ 2021 में आहे चौथी कॉन्फ्रेंस उन हवाले सां थिए थी। बाक़ी जेको कहाणी जे कॉन्फ्रेंस जो जेको शुरूआति 20 साल अॻु में इब्राहिम खल उन साथियुनि हिते शुरू कई ऐं तमामु बहितर अंदाज़ सां हिते हिकिड़ी नई रिवायत इहा पई त कहाणियूं पेश कयूं थियूं वञनि पढ़ी वञनि थियूं। असां वटि मुशारनि जो रिवाजु आहे पर हिते इहा सुठी ॻाल्हि इहा आहे न कॉन्फ्रेंस जी त हिते नौजवान कहाणीकार अची पंहिंजी कहाणियूं पढ़नि था पिया ऐं रेफरेंस जेको आहे उहो नसीम खल जो ई आहे त उन नसीम खल जी कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां सिंधी कहाणी जेका अॼु जदीद कहाणी लिखिजे थी पई नौजवान कहाणीकार उन्हनि खे प्रोमोट कयो वञे थो पियो उहो अॻिते अचनि त जीअं पंहिंजो हिकिड़ो नालो पिए उन पंहिंजी कहाणियुनि में पंहिंजी लिखणियुनि में अहिड़ी नवाण आंदी जेकी उन खां अॻु कोन हुई मौजूदु ऐं जेको नवाण आणींदो आहे जेको जिदत आणींदो आहे ऐं जेकी शयुनि खे पंहिंजे तरीक़े सां हिकु कन्वर्ट करे हिकु नई शइ तव्हांजे अॻियां आणे थो ईजाद जीअं असां इहो चऊं था त फ़ोन ईजाद थी या टीवी ईजाद थी या जहाज़ ईजाद थियो ईअं कहाणियुनि में बि ईजादात थींदियूं आहिनि
लफ़्ज़नि जा बि माना लफ़्ज़ बि ईजादु कया वेंदा आहिनि, नव आणींदी आहे त नसीम ख़याल अहिड़ा लफ़्ज़ ईजादु कया ऐं कहाणी जो हिकिड़ो अहिड़ो ख़ूबसूरत ट्रेंड आंदो जिन खे असां बि फॉलो कंदा था अचूं जूनियर कहाणीकार, ऐं इहा असांजे एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे ऐं जेकी अॼु जी तक़रीब आहिनि ऐं अहिड़नि माण्हुनि खे इहो ट्रिब्यूट पेश करणु खपे ऐं इन्हनि जे लाइ त जीअं उहे ज़िंदा रहनि, छो त जेके एॾी जाखोड़ कनि था, जदोजहद कनि था ऐं पंहिंजे कलम सां पंहिंजी ॿोलीअ खे ज़िंदा रखियो, पंहिंजी तारीख़ खे, पंहिंजे कल्चर खे, पंहिंजी सकाफ़त खे, त उहे कॾहिं मरणा न आहिनि ऐं ईअं हुअणु खपे, अहिड़ा प्रोग्राम हुअणु खपनि ऐं सिर्फ़ु खैरपुर में न पर मां जीअं सवेर ॻाल्हायो त पूरी दुनिया में इहे प्रोग्राम अहिड़ा सेमिनार हुअणु खपनि, सिंध जी कुंड कुड़ुस में हुअणु खपनि, छो त जेके कलम आहे या अदीब आहे उन्हनि खे कंहिं कुंड में महदूद न रखियो वञे त बहितर। नसीम ख़याल जूं जेके कहाणियूं आहिनि मां तक़रीबन 9th या मैट्रिक खां पढ़ंदो थो अचां ऐं पहिरियों दफ़ो मां 9th क्लास में नसीम ख़याल साहिब जी कहाणी पढ़ियूं ऐं नसीम ख़याल जी जेका लिखणी आहे उहा बिल्कुलु हर जेको किरदारु ॻाल्हाए थो उन किरदार जी ॿोली ॻाल्हाए थो, हुनजी जेका ख़सूसियत आहे उहा इहा ई आहे। मिसाल जे तौर ते हू पहिरीं मुराद कहाणी में जेको किरदारु आहे उन जी जेका उहो काटकू लैंग्वेज ॻाल्हाए थो उहो लॻे थो त हू वाक़ई पढ़ण सां तव्हांखे लॻंदो त वाक़ई जेको उहो चोर पंहिंजी लैंग्वेज में ॻाल्हाए थो पियो। ऐं ॿी जेका हिकिड़ी ख़सूसियत नसीम ख़याल साहिब जी कहाणी जी उहा इहा आहे त हू पंहिंजे इर्द गिर्द जा जेके किरदार आहिनि ऐं उन जूं जेके कहाणियूं आहिनि उन्हनि खे नुमाया करे थो। मिसाल जे तौर ते जीअं चोटीह दर वारी ॻाल्हि हींअर बि थी, काफ़ी जेके लेखक आहिनि उन्हनि ॻाल्हि कई हुन ते त ऐं इहा हक़ीक़त आहे त चोटीह दर वारी जेका कहाणी आहे इन सां असां मोह नथा मटे सघूं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुझु ॾींहं अॻु में अहिड़ो वाक़ई इशू थियो हुयो जंहिं ते सखर ऐं खैरपुर जी हद जो इशू हले पियो, सो इन मां उन जी जेका विज़न आहे उन जी ख़बर पवे थी पई। सो सही चवंदा आहिनि त जेको नसीम ख़याल आहे उहो सिंधी कहाणियुनि जो इमाम आहे ऐं नसीम ख़याल जो जेके ॿचड़ी कहाणियूं आहिनि उन्हनि जे अंदरि असांखे पंहिंजे सिंधी समाज जो कल्चर, असांजी सकाफ़त, असांजा रवैया ऐं असांजी ॿोली इहे सभई शयूं मिलनि थियूं पियूं। हिकिड़ी रिचनेस ऑफ द कल्चर आहे। साईं जी मूं कहाणियूं पढ़ियूं या कुझु ॿुधण में या हिते हिते माउंट सां जॾहिं मुंहिंजी ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं त हक़ीक़त आहे त अॼु बि उहे कहाणियूं ईअं लॻनि थियूं जेके अॼु लिखियूं वियूं आहिनि। 43 साल जेके पहिरियों शहीद नसीम ख़याल कहाणियूं लिखियूं 32, अॼु जेको बि असां ज़िंदगी वापरायूं था उहे जेके कहाणियूं आहिनि उहे अॼु इंसाननि जे साम्हूं अचनि थियूं पियूं। उहे जेके कहाणियूं हुयूं उहे कहाणियूं न हुयूं पर अॼु हक़ीक़त आहे, जीअं चोटीह दर जूं हुयूं इलाही कहाणियूं हुयूं जेके अॼु हक़ीक़त आहे इंसाननि जे सॼी दुनिया जे साम्हूं गुज़रनि पियूं ऐं असांखे फ़ख्रु आहे जो शहीद नसीम ख़याल असांजे खैरपुर जो हुयो। असां खैरपुर खे वॾो माना ख़ुशि नसीब आहिनि जो असांखे कहाणीकार बहितरीन मिलियो ऐं असांजे सिंध जे लाइ सभिनि जो फ़ख्रु आहे शहीद नसीम ख़याल। नसीम ख़याल कहाणीअ में जेको बि लिखियो उहो आम माण्हुनि जे मसलनि खे उजागर कयो। 43 सालनि में बि नसीम ख़याल जी कहाणी खे कोई बि छुई कोन सघियो आहे। खैरपुर उहा ख़ुशनसीब धरती आहे जंहिं ते हेॾो वॾो कहाणीकार पैदा थियो जिते पूरी सिंध फ़ख्रु करे थी ऐं नसीम ख़याल खे कहाणी जो इमाम बि चयो वञे थो। अॼु हिननि सभिनी सिंध वासियुनि जो ख़ासि तौर ते अदबी हलकनि जो गॾजणु इन ॻाल्हि जी इहा गवाही पकी गवाही ॾिए थो त असांजी क़ौम ऐं पंहिंजनि हीरोज़ खे अञा ताईं नाहे विसारियो। नसीम ख़याल साहिबनि सां सुठा तालका था छो त मुंहिंजो बि ॻोठु उन्हनि जे ॻोठ जे ई पासे में आहे, कोट मीर मोहम्मद ख़ान सदर जी भटियूं या इहो हलंदे ऐं नसीम साहिब जे ॻोठ ताईं पुॼे थो। पर मूं संदसि जॾहिं कहाणियुनि जी किताब खे ॾिठो या संदसि कहाणियुनि खे पढ़ियो, नसीम ख़याल हिकु बहितरीन समाजी कहाणीकार आहे जिन पंहिंजे प्यारनि लफ़्ज़नि में असांजे मुआशिरे जी जेको अॼुकल्ह हले थो उन जी पूरी तरह सां आकासी कई आहे ऐं हुन हमेशह पंहिंजे किरदारनि खे शहरी हुजे या ॻोठाणो जिन जिन ते कहाणियूं लिखियूं अथऊं त उन कहाणियुनि खे उन हसीन रंग में उन्हनि किरदारनि खे पेश कयो आहे। हिन क़िस्म जो कॉन्फ्रेंसूं ऐं प्रोग्राम ई सिंधी अदब खे अॻिते वधाइण में पंहिंजो किरदारु अदा कयो आहे। पंहिंजे दौर जो जेको वॾो आर्टिस्ट हूंदो आहे उन जी पंहिंजे वक़्त जी रग ते उनजी आङुर हूंदी आहे, उनजो हथु हूंदो आहे ऐं हू ॼाणंदो आहे त छा थो वहे वापरे हुनजे आसपास
छो जो सच जेको आ वो सदाई साग्यो आ उन्हीं का बड़ी तब्दीली थी अचे हालतूँ जी अगु हुई उ अज भी मिसाल तौर चोटी दर में फाथल लाश कल भी हो अज भी अज भी उन लाश जो को वारस ना है कल भी उनको वारस को हो इन में साबित थो खरल साहब हर दौर जो कहानीकार है हम जो कुछ लिखो है वो जिंदगी से लागापियल है उन में जिंदगी जहाँ सब रंग मौजूद है मैं समझा तो आर्ट की दुनिया जो है वह मोरोसी न होंगी आर्टिस्ट त खुदा की देन हूँ फितरत की पैदाइश हूँ यो जरूरी ना तो जो कहानीकार आ तो मुझे पुट भी कहानीकार थे या जो शेख खयाल शायर आ तो उनको पुट भी शायरी थे यो लाजमी ना है सो उन सिलसिले में कोई मशवरो नो दई सके हाँ अलबत उनके खानदान के शाबस हो खरल साहब के किताबन के संभालन था उनके कहानियों के संभालन था उन हवाले से प्रोग्राम कन था इन नाते न रुगो खरल साहब के पर गड़ो गड़ जन कहानी के मान दियन था कहानी के प्यार दियन था इन माना में असि सब कहानीकार खुशी महसूस क्यों था तो इन ही खानदान के मार्फत कहानी के ढो मान असल गाली आए तो ही साईं नसीम खरल साहब के कहानियों में असो जो मुआशरो उन मुआशरे के हर किस्म जे उणाहूँ या हर किस्म जे मसला मसाइल या एक असके सोशल नॉर्म्स उन सजन के पांजे कहानियों में डिस्कस किया न फकत डिस्कस किया बल्कि उहे किरदार जे मुआशरे में नासूर की हैसियत रखन था उनके वाइखो किया तमाम मुफसिल अंदाज से उन पांजे कहानियों में उनके जाहिर किया जी खास तौर पर असं वट कारोकारी जो सिलसिलो हो तो उनते जो चोटी दर जी कहानी आारोकारी है उन अलावा जो चोरी वो माहौल हुए तो उनके बारे में कहानी मौजूद है मुजाविर कहानी में असें पीर परस्ती वे मामला जो उनके अलावा अस खास तौर पर इकानामी आज जरी इकानामी आनजी बर्बादी कड़े नमूने थे थी जमाने की गर्दिश में वह जिक्र कई आ उन तो बहरहाल पाँची जाए तो वो एक जामे मुशाहदे वा मू हुए नंढड़ी उम्र में अड़ो कम कर दिखारो जो मुझे ख्याल में 300-400 कहानियों लिखने वाले मानन भी एतरो न कयो आ जको नसीम खर जिन कौमन पांजे असासन जो ख्याल ऐ कदर कयो अज उहे ही कौम कामयाबी ऐ मंजिल ते आहे ही वडेरन चयो वेंदो आ ते ही वडेरन जो जको आहे लेखक आहे हालांकि इन वडेरन के जी कलई खोले छडी आहे ऐ हन जको आहे सो तमाम एकड़ो सिंध जे कहानी के एड़ी कहानी दिनन जके पए पुराणो न थन इलाही कहानीकार आहिन जेके तमाम ख़त्म थी विया उन जो कहानी को अज याद ही कोन थो करे को लेकिन इन जे कहानियों के मानू पढ़न था बुधन था दिसन था उन्हें मो सबक पिराइन था तकरीब में शायरन अदीबन कहानीकारन पांजी पांजी शायरी ऐं फलसफो पेश करे अवाम का दाद वसूल नसीम खल आला सतह जो कहानीकार हो उन जो कहानियों इन जदीद दौर की अकासी कन थियूं कैमरामैन जानवमन सां गॾु अली जाफरी सिंध टीवी न्यूज़ खैरपुर।